बोलने पर पाबंदी है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लंबे समय से जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी जब कल रात ईडी के गिरफ्त में आया तो लगने लगा था कि अब ये लंबा नपेंगे विधायक जी, और वही हुआ। ईडी ने देर रात को गिरफ्तार किया, आज प्रयागराज के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ईडी ने 14 दिन का रिमांड मांगा, 7 दिन की रिमांड मिली है और चले गए हैं वो ईडी के रिमांड पे। अब समझिए कि कैसे ये मामला लंबा चलने वाला है और अब्बास अंसारी पे भारी पड़ने वाला है। दरअसल मार्च 2020 में पता चलता है कि विधायक निधि से गलत तरीके से पैसा निकाला गया है। गलत दस्तावेजों के आधार पे मुख्तार अंसारी और उनके परिवार ने सरकारी जमीन कब्जाई हुई है, लखनऊ में एक जमीन और प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। इस तरीके से कई मामले दर्ज होते हैं। उसके बाद मार्च 2021 में इन्हीं मुकदमों के आधार पे ईडी एक केस दर्ज करता है। केस दर्ज करने के बाद 9 मई को ईडी ने जो है अफजाल अंसारी जो है मुख्तार अंसारी के भाई, गाजीपुर से सांसद हैं, बीएसपी के सांसद हैं, उनसे पूछताछ करती है। 9-10 तक चलता है, फिर उनके भी बड़े भाई जो है सिकबतुल्लाह उनसे पूछताछ होती है, उनके विधायक बेटे शोएब अंसारी से पूछताछ होती है, फिर 20 मई के आसपास पूछताछ होती है अब्बास अंसारी जो कि मऊ से विधायक हैं सुभाषपा के उस पर पार्टी से, और उनके छोटे भाई उमर अंसारी से। तभी से ये बातें लगने लगी थी कि जो है अब इन पे और ज़्यादा शिकंजा कसेगा। तमाम करोड़ों अरबों की संपत्तियां इनकी जब्त की जा चुकी है, अब वही हुआ है। तो कल जो है इनको हिरासत में लिया पहले ईडी ने, उसके बाद 9 घंटे तक पूछताछ की थी, देर रात गिरफ्तार कर लिया था। आज कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान जब अब्बास अंसारी को ले जाया जा रहा था तो देखिए कैसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तो अब्बास अंसारी ने जवाब दिया। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, अब्बास अंसारी बोल रहे हैं कि बोलने की मनाही है, प्रतिबंध है, कोई बोल नहीं सकता, उनकी बातों में कहीं ना कहीं तंज है। ईडी ने उनके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। उसके पहले आपको याद होगा कि अब्बास अंसारी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था 10 तारीख को, उस दौरान जो है बाद के दिनों में वो दिखाई दिए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उसके बाद जो है कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था। तो कई मामलों में वांछित चल रहे हैं, अलग अलग मामले हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, विधायक बेटे के खिलाफ भी बहुत सारे मामले बनते जा रहे हैं। अब वो चारों तरफ से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और अब्बास अंसारी का आपने देखा होगा कि जब मऊ का चुनाव लड़ रहे थे, मऊ सदर से विधायक बने, तब बाद के दिनों में भी वो बोलते रहे और बंगई से बोलते रहे, अपनी बात कहते रहे, और अब ईडी के शिकंजे में आया है। लिहाजा माना जा रहा है कि लंबे समय के लिए नपेंगे। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या होता है कि बहुत लंबा चलता है और जो जांच एजेंसियां होती हैं उनके लिए भी प्रूफ जुटाना बहुत टेढ़ी खीर होता है, लेकिन एक बार यदि नप गए तो फिर लंबा ये चलता है। वही होने जा रहा अब्बास अंसारी के खिलाफ। अब्बास अंसारी नहीं, उमर अंसारी पे भी कस सकता है शिकंजा, और मुख्तार अंसारी के पत्नी पे भी कस सकता है, पूरा परिवार इसके जद में है। जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। इस दौरान गाजीपुर से लेकर के मऊ तक उन्हें ले जाना है, इसीलिए 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। देखना अभी है कि अभी तो ईडी को 7 दिन का रिमांड मिला है, क्या बाद में ईडी फिर से कोर्ट में इसे बढ़ाने की अपील करती है, और क्या क्या होता है अब अब्बास अंसारी के साथ, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।